विटामिन ई कैप्सूल, खास करके इनमें रहने वाले जो ऑयल है, ये एक ऐसी मैजिकल ऑयल है जिनको हम एक्सटर्नली अपने बालों में, अपने स्किन में इस्तेमाल करके बहुत क्विक स्किन को ग्लोइंग, बेदाग, खूबसूरत और बालों को लंबे घने बना सकते हैं। और वो कैसे, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहो। सबसे पहले तो आपको इसके लिए जरूरत है ये ग्रीन कलर की एवियन 400 विटामिन ई कैप्सूल की, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बिल्कुल स्किन पे चमक नहीं है, तो विटामिन ई कैप्सूल से स्क्रब बनाकर इस्तेमाल कर सकते हो। बस इसके लिए आपको लेनी है 1 स्पून पीसी हुई शुगर, फिर इनमें डाल दो 1 स्पून कॉफी पाउडर, 2 विटामिन ई कैप्सूल और लास्ट में 1 स्पून प्योर रोज वाटर। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लो और अब इस स्क्रब को लेकर अपने फेस को स्क्रब करके देखो। देखना स्किन इंस्टेंट कितना सॉफ्ट, ग्लोई एंड ब्राइटन हो जाता है। हफ्ते में एक बार करने से ही आपके ड्राई स्किन के प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगा और आपको एकदम नेचुरल ग्लोई स्मूथ स्किन मिलेंगे। एक ऐसा तरीका विटामिन ई कैप्सूल को इस्तेमाल करने की, अगर आप इसको रात में इस्तेमाल करोगे ना, तो नेक्स्ट डे सुबह आपको ऐसा ग्लोई स्किन मिलेगा ना। बस इसके लिए आप ले लो कोई भी 100% प्योर एलोवेरा जेल 2 चम्मच, फिर उसमें डाल दो 1 चम्मच आलमोंड बादाम का तेल, फिर एक एक करके डाल दो 2 चम्मच भर के रोज वाटर और लास्ट में 4 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल, और मिक्स करने के बाद ये हमारा होममेड विटामिन ई का नाइट सीरम रेडी हो जाएगा। बस हर रोज रात को सोने से पहले फेस को आपको पहले वॉश कर लेना है अच्छे से, उसके बाद इसको एक ड्रॉपर के हेल्प से थोड़ा सा अपने फेस पर लेना है और फेस को बहुत ही अच्छे से मसाज करना है। और नेक्स्ट डे सुबह उठकर देखना, सब पूछने लगेगा चेहरे पे ऐसा निखार कैसे आ गया, चेहरा इतना जो ग्लो करने लगेगा। और बाकी जो सिरम है इनको आप एक कंटेनर में भर कर स्टोर करके रख सकते हो और इसको आप 7 डेज तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए विटामिन ई कैप्सूल को इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आप सबसे पहले 1/2 कप प्याज का रस ले लो, फिर उसमें डाल दो 3-4 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल और लास्ट में 1 स्पून कोकोनट ऑयल, और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लो और अब एक कॉटन बॉल से इस सॉल्यूशन को अपने स्कैल्प पर लगाकर मसाज कर लो और फिर इसे अपने स्कैल्प पर 1 घंटे के लिए छोड़ दो और 1 घंटे बाद अपने हेयर को शैम्पू एंड कंडीशनर से वॉश कर लो। हफ्ते में 2-3 बार करने से ही देखना 3-4 हफ्ते के अंदर आपके न्यू हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और हेयर फॉल तो इससे कम्प्लीटली दूर हो जाएगा। विटामिन ई का इंस्टेंट स्किन ब्राइटनिंग मास्क बनाना चाहते हो, इसके लिए फ्रेश एलोवेरा का पत्ते ले लो एक और उसको इस तरह से दोनों साइड से कट कर लो और फिर इसको पील अप कर लो। अब इसके ऊपर जरा सा हल्दी पाउडर और 2 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल डाल दो। अब इसको लेकर आराम से और बहुत ही प्यार से धीरे धीरे अपने फेस को मसाज कर लो और मसाज करने के बाद इसे अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर फेस को ठंडे ठंडे पानी से वॉश कर लो। देखो इंस्टेंट इतना ब्राइटन स्किन मिलेगा ना, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। पता है दोस्तों, डार्क सर्कल्स के लिए विटामिन ई कैप्सूल ना बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स है। विटामिन ई कैप्सूल को इस्तेमाल करके आप 2 हफ्ते के अंदर अपने डार्क सर्कल्स को बिल्कुल दूर कर सकते हो और इसके लिए आपको लेना है 4-5 चम्मच रोज वाटर, फिर इसके अंदर डाल दो 1 चम्मच कॉफी पाउडर और लास्ट में डाल दो 3 विटामिन ई कैप्सूल का ऑयल और फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लो। फिर उसके बाद आपको लेना है एक कॉटन पैड, उसको इस तरह से हाफ करके कट कर लेना है आपको। अब इस कॉटन पैड को लेकर इस तरह से इस मिक्सचर में डिप कर दो, 2 मिनट तक आपको इसमें डिप करके रखना है। फिर आपको इस कॉटन पैड को इस तरह से निचोड़ लेना है और उसके बाद इसे लेकर आपको अपने डार्क सर्कल्स एरिया पर इस तरह से लगा लेना है और 15-20 मिनट्स के लिए आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद आप अपने आँखों को क्लीन कर लीजिए और लास्ट में एक विटामिन ई कैप्सूल की ऑयल लेकर इस तरह से अपने डार्क सर्कल्स पर मसाज कीजिए और फिर उसके बाद आपको सो जाना है। और इस तरह से आपको इस प्रोसेस को हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन तो करना ही है। फिर देखना 2 हफ्ते के अंदर चाहे आपके डार्क सर्कल्स कितने भी गहरा होना, वो कम्प्लीटली दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे विटामिन ई कैप्सूल की कुछ बहुत ही खास एक्सटर्नल यूजेस, आप इनको जरूर घर पर ट्राई करके देखना।